आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर खून से लिखा पत्र सरकार को भेजा। एक महीना दो दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरने पर बैठी हैं आशा कार्यकर्ता। स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों और जमीनी स्तर पर काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर एक महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखा है। आज हड़ताल का एक महीना दूसरा दिन है, लेकिन अब तक स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन की तरफ से कोई भी उनसे बात करने और सुध लेने नहीं आया है। ऐसे में आशा कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पर खून से पोस्टकार्ड लिखकर सरकार को भेजने की पहल की है। संगठन की अध्यक्ष विनीता शर्मा और जिला पदाधिकारी राम सखी ने बताया कि करीब 100 पोस्टकार्ड सभी आशा कार्यकर्ताओं ने अपने खून से लिखे हैं, ताकि सरकार जाग जाए और उनकी मांगों को पूरा कर सके। अरे दीदी अब आप कर लो छुट्टी, उस छुट्टी लिखा रही आज खून से पोस्ट कार्ड लिखे जा रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं आप सरकार को? क्या हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, अभी तक हमने पेन से लिखित में ज्ञापन दिए, आवेदन दिए, सूचनाएं पहुंचाई हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी कोई मांगे नहीं मानी, ना ही आश्वासन दिया, ना ही हमारी मांगे मानी है। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम खून से पत्र लिखें, ताकि सरकार को पता चल जाए और हमारी मांगे पूरी हो जाएं। मुख्य मांगे कौन सी हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं कि आशा कार्यकर्ता के 10,000 रुपये और आशा सहयोगिनी के 15,000 रुपये कर दिए जाएं। हमारे स्वास्थ्य विभाग से भी हमें कोई यहाँ आना तो आश्वासन देने आ रहा है और ना ही कोई हमारी सुध लेने आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग में कहते हैं कि आशा रीढ़ की हड्डी है, आशा नींव है, जड़ है। यदि वास्तव में हम जड़ हैं और नींव हैं, तो आज तक स्वास्थ्य विभाग से कोई हमारी सुध लेने क्यों नहीं आया? क्या सब काम से ही काम रखते हैं? इंसानियत का कोई नाता नहीं होता? इंसानियत के नाते वो हमें आश्वासन देने तो आ सकते हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग से भी हमें कोई आश्वासन देने नहीं आ रहा है। तो आज हम फोन से लेटर लिख रहे हैं CM साहब को, ताकि हमारी मांगों पर भी विचार करें।